धरती पर स्वर्ग है श्री शक्ति अम्मा के तप से बना 15,000 किलो सोने का ये मंदिर एक ऐसी जगह है जहां सूर्योदय पर चमचमाता मंदिर सोने की चिड़िया रूपी भारत के दर्शन कराता है और डूबते सूर्य से जन्मी सिंदूरी शाम इसे विशाल स्वर्णिम रथ सा दर्शाती है। ये दोनों नज़ारे आपको इस धरती पर स्वर्ग के नज़ारे का सुख दे सकते हैं। एक ऐसा पवित्र स्थल जहां 12 महीने लक्ष्मी जी की सेवा पल पल की जाती है और आप यहां हर रोज दिवाली मना सकते हैं। आप सोच रहे होंगे हम ऐसे कौन से धार्मिक स्थल की बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि ये भव्य मंदिर तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में स्थित श्री पुरम स्वर्ण मंदिर है, जिसे महालक्ष्मी मंदिर और मलाईकोडी के रूप से भी जाना जाता है और यह दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक जगह है। 300 करोड़ रुपये की लागत से बना है यह मंदिर। यह मंदिर अपनी भव्यता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वेल्लोर जिले का महालक्ष्मी मंदिर को बनाने में 15,000 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ है और इस पर करीब 300 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। दुनिया में ये इकलौता मंदिर है जिसके अंदर और बाहर इतनी बड़ी मात्रा में सोने का इस्तेमाल किया गया है। रात की चांदनी रोशनी जब इस सोने के मंदिर पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग जमीन पर उतर आया है। यह भारत का पहला मंदिर है जहां राष्ट्रपति भवन, लोकसभा और अन्य सरकारी कार्यालयों की तरह तिरंगा ध्वज फहराया जाता है। इसका दर्शन कहता है कि मंदिर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों के लिए खुला है। तभी तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पूर्व गवर्नर डॉक्टर सुरजीत सिंह बरनाला और जॉर्ज फर्नांडीज यहाँ दर्शन करके जा चुके हैं। श्री शक्ति अम्मा के तप से बना है ये मंदिर। मंदिर के निर्माण में तो सोना ही सोना है और माँ लक्ष्मी की 70 किलो ठोस सोने की मूर्ति भी है। साक्षात देवी माने जाने वाले अलौकिक से सतीश कुमार की आध्यात्मिक ताकत से यह रचना मूर्त रूप ले सकी है। गांव के लोग ही सतीश कुमार को मूल नाम से जानते हैं। वे देश दुनिया के लिए श्री शक्ति अम्मा हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन तक उनके दर्शन करने पहुंच चुके हैं। श्री शक्ति अम्मा अगले साल 3 जनवरी को अपने जीवन के 40 बसंत पूरे करेंगी। उनका जीवन ही भक्ति से शुरू होता है। तभी तो प्राथमिक स्कूली शिक्षा के दिनों में वे स्कूल जाने के बजाय शिव परिवार की आराधना में लीन रहते थे। जब वे कोई 14 वर्ष के रहे होंगे तो स्कूल बस की खिड़की से आसमान में देखने के दौरान उन्हें त्रिदेवी, लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती के दर्शन हुए। आकाश से रोशनी हुई और उनके मस्तिष्क दोनों भुजाओं पर विशेष निशान उभर आए। तमिलनाडु के नामी गिरामी डॉक्टरों ने भी इसे एक चमत्कार करार दिया, जबकि ज्योतिषियों ने उस बालक को देवी का अवतार बताया। सिंगापुर के फारूक भाई के लिए श्री शक्ति अम्मा साक्षात भगवान ही है, क्योंकि जब उनकी पत्नी को कैंसर ने जकड़ लिया था और डॉक्टर जवाब दे चुके थे तो शक्ति अम्मा द्वारा भेंट किया गया नींबू और हवन की विभूति माथे पर लगाने भर से मेरु त्रिशा स्वस्थ हो गई थी। श्री शक्ति अम्मा गोल्डन टेंपल में रोजाना दोपहर श्री नारायणी लक्ष्मी की स्तुति पूजा करने के लिए आती है, जबकि गोल्डन टेंपल के ठीक सामने बने उनके पैतृक घर में नाग की चमत्कारिक बाम्बी स्थल पर उनका टूटा फूटा झोपड़ा है, जहाँ वे ध्यान में तल्लीन रहने के बात दीन दुखियों के कष्ट हरती है। यह प्रेम, श्रद्धा और विश्वास की बात है कि श्री शक्ति अम्मा के दर्शन करने के लिए रोजाना कोई 6,000 श्रद्धालु भारत के चरणों में पड़े इस महाभारती और उनकी स्वर्गमयी रचना के दर्शन के लिए आते हैं। स्वर्ग की बात सब करते हैं, लेकिन उसकी एक झलक देखना है तो श्रीपुरम चले जाइए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो।